चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं समरी की, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान से देखिए, मैं बोर्ड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। सबसे पहले हमारा है वैल्यू एडेड मेथड। इसमें सबसे पहले हमने लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, जिसमें से हमने माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमने इसमें से माइनस किया, तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। फिर हमने क्या किया, तीनों सेक्टर्स का जी वी ए एट एम पी लिया, तो हमारे पास क्या आ गया था, जी डी पी एट एम पी। फिर हमने उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस किया, माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास क्या आ गया, एन डी पी एट एम पी। फिर हमने माइनस किया नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें से आ गया आपके पास एन डी पी एट एफ सी। फिर इसमें हमने ऐड किया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यह आ गया एन एन पी एट एफ सी। इसको हमने क्या बोला था, डोमेस्टिक इनकम, एंड इसको हमने क्या बोला था, नेशनल इनकम, ठीक है जी। इसके बाद जब हमने बात करी अपने प्यारे प्यारे इनकम मेथड की, इनकम मेथड, तो इनकम मेथड के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट्स, फिर मिक्स्ड इनकम। तो ये आपके पास आ गया एन डी पी एट एफ सी, विच इज डोमेस्टिक इनकम। इसमें आपने ऐड किया एन फीफा, तो ये आपके पास आ गया एन एन पी एट एफ सी, विच इज योर नेशनल इनकम। ये समरी आपके पास होनी चाहिए जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हमने थर्ड स्टार्ट किया था अपना एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद आपने इसमें ऐड किया नेट एक्सपोर्ट्स, ये आपके पास आ गया जी डी पी एट एम पी, माइनस डेप्रिसिएशन, ये आ गया एन डी पी एट एम पी, ठीक है, एन डी पी एट एम पी। इसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एन डी पी एट एफ सी, और फिर एन फीफा, दैट इज एन एन पी एट एफ सी, जो कि क्या है आपका, नेशनल इनकम।
ये सारी चीजें आपने की थी। अब इसमें जो मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी थी वो क्या, सबके अंदर सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस एडिशन टू स्टॉक। सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स याद है, भूल तो नहीं गए बेशर्मो, प्लस एक्सपोर्ट्स, ये किया था हमने, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो परचेज में दो चीजें आती हैं, एक डोमेस्टिक परचेजेस और नेक्स्ट क्या आता है आपका, इंपोर्ट्स। गुड, नाउ यहां पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें दो बातें, एक तो वेजेस, एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। वेजेस के अंदर दो चीजें आती हैं, वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड। और याद है इसमें आपको मैंने बोला था एम्प्लॉयर का लेना है सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है, ये साथ साथ बनाते रहो मेरे। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स, इन तीनों का सम हमने क्या बोला था सर, हमने बोला था इन तीनों का सम है ऑपरेटिंग सरप्लस। प्रॉफिट्स इसके तीन पार्ट्स आपको बताए गए थे, टैक्स, डिविडेंड एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स के दूसरे नाम क्या थे, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। और जो डिविडेंड है आपका, इसका एक दूसरा नाम मैंने आपको और बताया था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये कैसे निकलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एडिशन टू स्टॉक, ठीक है। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे निकालेंगे सर, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। चलो एक बात यहां पर और बता देता हूं आपको, काम आएगी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हो सकता है ये एक्सपेंडिचर हमारे हाउस होल्ड्स कर रहे हो, या एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स, या प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स, सर्विंग हाउस होल्ड्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पनपिश भी बोल देते हैं। ये क्या है सर, पहले तो नहीं बताया आपने, नई चीज बेटा, कुछ चीजें रोक के चलनी पड़ती है, नहीं तो आप आगे की वीडियोस ना देखो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर ने जो कंजम्पशन किया, तो उसमें या तो हाउस होल्ड्स आएंगे, या जो हमारी एनजीओज हैं, जो एनजीओज फ्री में गुड्स प्रोवाइड करती हैं, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। कई बार आपको हो सकता है वो दे दे एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड एक्सपेंडिचर बाय पनपिश, तो उन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से पहले ये पूरी की पूरी समरी अच्छे से
आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स एकदम ऑथेंटिक वे में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी। फटाफट इसको एक बार आप सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए, और इसको नोट डाउन करके एक पेपर पर अलग से ही रखना है। जब भी आपको नेचुरल इनकम करना है, सबसे पहले इसी पेपर को पिक करके सारा गो थ्रू करना है। फटाफट नोट इट फास्ट फास्ट।